एस्कॉर्ट के पास भी एक अच्छा कंपाउंड है। बाकी अगर यहाँ पे विनोद की बात की जाए तो उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया है। Yes, आपने यहाँ पर एकदम सही बात बोला है, पर डायरेक्ट सोल का स्क्वाड पुश करते हुए यहाँ पर सांगवाने टीम आ चुके। क्लैश यूनिवर्स अकेले बचे हैं, अपने को नॉक आउट कर सकते हैं या नॉक निकालने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा प्रीपेयर देते हैं यूनिवर्स ने, पर एक नॉक निकाल चुका है सांगवान को। बढ़ रहे हैं पर वाइपर्स को स्टेज पे नॉक आउट कर देंगे। एंड दूसरी साइड पे 9-11 के स्क्वाड से भी एक मतलब ब्लीड आउट हो चुके हैं। यहाँ पर मॉर्टल एंड टीम जो यहाँ पर नॉकआउट किए थे उसका किल यहाँ पर उठाना चाहेंगे। नियो नियो को भी यहाँ पर खत्म करते हुए तो क्लैश यूनिवर्स उनको खराब हुई तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। बट नो तो ग्यारह अभी की बात करें, अभी भी शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की साइड पे है तो सही, नेट आया था बहुत ही ज्यादा क्लोज, नेट आया था किकी ओपी का, बेहतरीन नेट का यूज करते हुए किकी ओपी शॉट किया, नॉक किया। और बाकी जो प्लेयर थे एक और नेट फटी डाउन किए गए। अंकिता सी अकेले अपनी टीम से बची थी, बट नहीं, विनोद का वो भी नेट फटा और अंकिता तैयार है। मॉर्टल एंड वाइपर गाड़ी लेकर चल चुके सामने के साइड पे, बहुत ही सारी टीम देखने को मिल जाएगी। बट डी को और डी डाउन में और दोनों गाड़ी का कोलाइड देखने को यहाँ पे मिला है, कोलिजन हमें देखने को मिला। बट रॉक्स की बात करें अभी भी रश करने की कोशिश करेंगे सामने के साइड पे, वाइपर थे डाउन कर सकते थे, बट वाइपर का एक अच्छा कवर फायर आई गेस नहीं पर उनको शॉट पड़ा। यस, बट सांगवान इसी के साथ वो और ब्लेजी दो मेंबर यहाँ पे बचेंगे। पारितोष की बात करें वो भी यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। सोल के प्लेयर जिंदा है तो सही, बट आप गैलेक्सी रेसल्स की देखो, डायनमो अकेले बचे अपनी टीम से, रिवाइव कर सकते हैं, बट सोल की स्क्वाड जोन के अंदर पहुंच चुकी है इस बार। यस, एंड अगर बात कर डायनमो टीम के पास ऑलरेडी 10 किल है, पर सोल से मॉर्टल आई थिंक ब्लीड आउट हो चुके थे। सोल ब्लेजी वाइपर को बचाने की कोशिश करेंगे, 6 किल इस लाइनअप के पास भी है। अच्छा को कवर फायर था और बस सांगवान की तरफ से, सांगवान ने बैक टू बैक दो नॉक निकाला यहाँ पर गैलेक्सी रेसल्स के आतंकी को एंड रॉक्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक से। अगर वो नॉक नहीं निकलते तो ब्लेजी एंड सांगवान भी जोन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे एंड वहां पर साथ ही साथ खत्म भी हो जाते। भाई पर सांगवान पीछे नॉकआउट हो चुका है, वहां पर घातक का स्कोर आई थिंक खत्म हो चुका है फिनेटिक के द्वारा। टॉप 5 स्कोर पे हम लोग डायरेक्ट से डायरेक्ट आ चुके हैं, पर हाइड ड्राइनमो अपने टीममेट एमजे को बचा चुके हैं या नहीं वो देखेंगे। आई थिंक एमजे को नहीं बचा पाए, स्मोक का वर्ड बना के जोन के अंदर आ चुके हैं। एमजे भी अपने खत्म है, इसके साथ डायनमो भी खत्म हो जाएंगे सोल लेके जाने के, क्योंकि 4v2 का सिचुएशन है एंड जब जाना पड़ेगा ओपन रोड से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई डोंट थिंक वाइपर ने ब्लेजी के पास अभी स्मोक्स वगैरह भी है, जोन देखना पड़ेगा किसके पास है। एंड ब्लेजी जोन के एकदम एज पे नेट करने की कोशिश किया जा रहा है। एश एंड मैश एक साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ओएस अभी भी पत्थर के पास है, पत्थर से अभी थोड़ा हाई ग्राउंड ले सकते हो जितना हाई ग्राउंड इस एरिया में है। एंड दूसरी बात अगर बोलोगे फ्रैंकी लेफ्ट साइड से फ्लैंक कर रहे हैं, बट चार मारे तो 15 बराबर, बट देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वाइपर अच्छा गेम प्ले उन्होंने दिखाया, 5 किल्स अपने लिए लेके, बट इस वक्त अगर बात करें तो जोन के अंदर सारे प्लेयर्स आने की कोशिश करेंगे। फनाटिक के प्लेयर्स रश करते हुए नजर आएंगे, जाने की कोशिश करते, बट वाइपर को यहाँ पे डाउन किया गया एंड एश भी डाउन किया। ब्लेजी अकेले बचे अपनी टीम से, 1v3 का सिचुएशन होता, बट नहीं, फाइनल शॉट कनेक्ट किया, डाउन किया और इसी के साथ टीम मॉर्टल की स्क्वाड एलिमिनेट हुई। बट जिस तरीके से बेहतरीन गेम प्ले यहाँ स्नैक्स को नॉकआउट कर चुका है, तो हर साइड पे फाइट शुरू हो चुका है, जॉर्ड यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है मैचेस के द्वारा एंड एश एक और नेट करते हैं, बट ये नेट भी कनेक्ट नहीं होगा मेजी, बट जॉर्ड अभी नॉक है। फनाटिक का स्क्वाड पूरा पुश करने के लिए रेडी है, एश यहाँ पर जाने की कोशिश करते हुए दे निकल देते हुए पूरे का पूरे स्क्वाड जा रहे हैं। मैचेस का अगर एचपी देखो सबसे कम है, उसको पीछे रहना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एश गॉट आउट, यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है एंथेस के हाथ पे, एंथेस का एचपी कम है, फ्रैंकी भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे गब्बर के हाथ पे, तो फोर किंग का स्क्वाड यहाँ पर सही तरीके से पूरा का पूरा पुश हैंडल कर रहे हैं। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जॉर्ड ऊपर के साइड पे हैं तो सही, शॉट्स बहुत सारे यहाँ पे कनेक्ट करे भी जा रहे हैं, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई तीसरी टीम आए वो इन सारी चीजों का फायदा उठा जाए, तो वो चीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। निकलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर के अंदर जोन निकलना है, बट अगर आप बात बोलोगे तो यहाँ पर गब्बर भी यहाँ पर नॉक निकालने की कोशिश कर, गरीबों ने सांगवान का नॉक निकाल चुका है एंड सांगवान के ऊपर खत्म करने की कोशिश कर, बट एक्जी को भी यहाँ पर बेहतरीन स्प्रे बाय अंतस हमको यहाँ पर देखने को मिला। यस, बट गरीबो अभी भी सामने के साइड पे दो प्लेयर्स डाउन है अपने लिए, वो कि निकाल सकते हैं, दो प्लेयर्स ऑलरेडी निकाला है सामने के साइड पे, सारे प्लेयर्स आने की कोशिश, बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया, क्या गरीबो अपनी टीम के लिए यहाँ पे क्लच निकाल सकते हैं। दो प्लेयर डाउन सामने के साइड पे, ब्लेजी थे गेम का बढ़िया स्प्रे किया था, बट उतना ज्यादा कुछ खास करेंट नहीं कर पाए। 5 फर्स्ट एड किट इनके पास है, अपने आप को हील करेंगे, मॉर्टल अंदर की साइड पे आने की कोशिश कर सकते हैं। 1v1 का सिचुएशन होगा गरीबी के लिए, आप
का सिचुएशन हो सकता है। एकेएम उनके हाथ में, मॉर्टल मार के तक स्पॉट किया, हेड उनका दिखाई दे रहा है, बट फ्री फायर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नाते के साइड पर जो प्लेयर थे, मॉर्टल नीचे के साइड पर थे, एक परफेक्ट प्ले का प्रदर्शन दिखाते हुए गरीब को शॉट कनेक्ट कर सकते थे, बट ब्लेजी का पीछे से बढ़िया कवर फायर डाउन किया। इसी के साथ वो किल मिल चुका है, मग इस मैच में आते ही किल्स वगैरह उठाना शुरू कर चुके हैं, पावर भी वहां पर खत्म हो जाएंगी। एंड यहां पर कंपर को नॉकआउट कर दिया, एक्सेंस को भी नॉकआउट करें, बट गुरु को पोजीशन उसको पता ही नहीं था क्या, वो एकदम क्लोज पे थे। गुरु ने एक नॉक निकाला, पूरा भी फिर से 1v1 हो चुका, एक और नॉक निकालने की कोशिश, बेहतरीन था बट पीछे से डॉट ने वो नॉक बेसिकली निकाल के गया। कवर फायर बहुत सही था, टूटा पॉइंट था, बट अंकित सिंह को भी नॉकआउट किया जाएगा। वाई गुरु, वो किंग टीम इज ऑन रन राइट नाउ, अमेजिंग, क्या ही अच्छे तरीके से ये लोग क्लियर करके गए। यहां पर जरूर देखना चाहेंगे, यहां पर नेक्सन का स्क्वाड है जो अपने टीम को लास्ट मैच में थर्ड लेके गए थे, इस बार भी उनके पास एक चांस है, एक अच्छा खासा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं चिकन लेके जाने का, क्योंकि वाइपर जो थे वो नॉक थे, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। इसी के साथ सांगवान मॉर्टल, यही दो ही बंदे बचे हैं। INT स्टैंडिंग 4 मैन एंड INT के साथ नेक्सन टीम एक अच्छा खासा एरिया पे, बट मॉर्टल का पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये पूरे फाइट के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से वो नॉक निकालता है, एक दो नॉक निकालना पड़ेगा मॉडल को यहां से अगर चिकन लेके जाना है तो। यस, बट टीम INT के प्लेयर्स को आप बिल्कुल यहां पे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। चार प्लेयर जिंदा, पिछले मैच में चिकन डिनर नहीं निकाल पाए थे, बट इस मैच में बिल्कुल कोशिश करी जाएगी कि चिकन डिनर उनके हाथ से कहीं जाए ना। बट मॉर्टल जो डाउन थे यहाँ पे अपने आप को हील करेंगे। 9 किल्स, 10 किल्स यहाँ पे टीम INT के प्लेयर्स के पास हो चुका है। एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ है सोल का, देखते हैं कितनी देर तक और सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि INT की स्क्वाड इस वक्त जोन के अंदर है। सोल का स्क्वाड का आखिरी प्लेयर वो जोन के बाहर है, हील बैटल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट सामने 1v4 का सिचुएशन है। तो टीम INT कॉर्डनिक्सन की स्क्वाड फाइनली इस मैच में चिकन डिनर निकाल के जाने वाली है 10 किल के साथ। Yes, and कोई चांस ही नहीं है बस होल का, एंड वो यहाँ पर हिल बैटल करते हुए अगर किल देके जाते हैं स्लेयर को तो भाई अलग होगा, एंड अगर किल डिनाई करते तो अच्छा होता, स्लेयर पर आ चुके हैं, वो किल लेके गए, एंड इसी के होती भी नजर आ सकती है। बट फ्रैंकी अभी भी दूसरे साइड पे, नेट्स पे नेट्स की बारिश यहाँ पे चल रही है, बाकी आश का वो फाइनल एड मॉर्टल का फ्लैंक देखने को मिलता हुआ। फनाटिक फ्रैंकी को बिल्कुल भी अंदाजा awesome. नहीं, पीछे वही चीज देखने को मिला, मॉर्टल डाउन करते हुए फनाटिक एश को और पूरी मॉर्टल की स्क्वाड रश करने को तैयार है, बट अल्ट्रॉन ने वो जो किल चोरी किल चोरी भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेसी, एंड वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो सेवर फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे, उसको भी पता चल चुका है कि 3 स्क्वाड है, एंड वो रिट्रीट करना चाहेंगे, क्योंकि इस फाइट में ऑलरेडी एक कैजुअलिटी आ चुका है मॉडल की टीम के पास, 4 मैन स्टैंडिंग है। सेम गोज फॉर हाइड्रा ड्रीम, फनाटिक की टीम जो है वो इसका टीम जो है वो रिट्रीट कर चुका है। डायनेमो पर सामने थे, वाइपर का नेट गया, डायनेमो नॉक करते हुए वाइपर, सांगवान मॉर्टल एंड ब्लेजी फुल ऑन रश मोड पे आ चुके हैं। MJ के ऊपर चाहेंगे वो पहले नॉक निकाले, क्योंकि MJ का पोजीशन सबसे ज्यादा दिक्कत है, मॉर्टल है पर उसके लिए कवर फायर दे रहे हैं। वाइपर एक नेट कुक किया, नेट के साथ नॉक हो गया, MJ ने वापस सांगवान को अली नॉक तो निकाला, इस डाउन टू 350 राइट ऑन है, पर एक और नॉक वाइपर की तरफ से देखने को मिलता है। MJ को भी नॉक आउट कर चुके, मॉडल नंबर 50 के साथ है, वो भी मूवमेंट देना चाहेंगे। MJ क्लियर आउट करते हुए ब्लेसी ने भी एक और नॉक निकाला, मॉडल का टीम यहां पर ऑसम परफॉर्मेंस दिखाते हुए, एंड क्या ही अगर कोई होते तो कुछ होता, बट OS का टीम जो रिट्रीट कर गए थे फिर से आ चुके हैं, देख चुके हैं कि किल फीड रीड कर चुके हैं, किल फीड डायरेक्ट पुश कर चुके हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल किल फीड रीड करना। यहां पर क्या OS का टीम मॉडल टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं? अमेजिंग, थोड़ी देर के लिए होल्ड उन्होंने जो किया है वो उनके स्क्वाड भी थोड़ा सा पीछे के साइड पे आई है, बट सांगवान एक अच्छा फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट कर रहे हैं, फनाटिक के और जो बाकी प्लेयर्स हैं अभी इंगेज रखेंगे, बट ओएस को यहाँ पे डाउन कर दिया गया ब्लेजी के द्वारा, और अब पूरी मॉर्टल की जो स्क्वाड है वो रश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है केवल 3 ही प्लेयर इस वक्त जिंदा है फनाटिक स्क्वाड से। ओएस सामने के साइड पे मैक्सस की बात करें, फ्रैंकी पीछे के साइड पे थे, बट यहाँ पे वाइपर को डाउन कर चुका है, मैक्सस की HP थोड़ी सी कम आपको देखने को मिल जाएगी, और फ्रैंकी के पास एक अच्छा खासा कवर है, बट ओवेस की टीम का एक लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, वाइपर अकेले बचे हुए अपनी टीम से, सांगवान को कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी, बट वाइपर अपना हेल्थ जो था वो लगा चुके हैं, वन का सिचुएशन ओवेस के साथ होता हुआ, और पीछे से बढ़िया कवर फायर डाउन किया, और इसी के साथ ओवेस की स्क्वाड
7 के 7 किल्स आपको घातक की स्क्वाड के पास देखने को मिले, बट 4 किंग की जो हम बात कर रहे थे कि प्लेसमेंट पॉइंट के लिए ज्यादा वो लोग जाते हैं और वही चीज देखने को मिला, 1 किल है बट प्लेसमेंट पॉइंट टॉप 4 में अपनी टीम को गुरु ओपी लेके आए, पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया था तो नहीं थे ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे लाइक 5 या 6 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ थे, बट बेसिकली ये अच्छा खासा प्लेसमेंट पॉइंट के साथ जा रहा है। बट क्लैश यूनिवर्स का स्क्वाड भी अगर बात करो पोजीशन पॉइंट्स के हिसाब से भाई ये स्क्वाड बहुत आगे है, बट अगर क्लैश यूनिवर्स को नॉकआउट किया जाएगा एंड उसका टीम से आखिरी बंदा फिर से न्यू बचे, भाई हमेशा न्यू ही आखिरी बचे रहते हैं। मॉर्टल एंड गॉड निसिक स्क्वाड के बीच 4 पॉइंट का डिफरेंस था, मेजी 4 पॉइंट का डिफरेंस उतना नहीं होता, ओवरटेक करके चले जाएंगे इस मैच के बाद, बट क्या वो टॉप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं क्या? क्या फिनेटिक का स्क्वाड तो एलिमिनेट हो गया, उनके पास भी अच्छे खासे किल्स थे, तो वो लोग क्या यहाँ उनके लिए बहुत ज्यादा सही इस वक्त रहने वाला है, क्योंकि टॉप 2 पे अगर आए जैसे ग्रुप यहाँ पे जॉट के जीगॉट के द्वारा डाउन है, पूरी तरह से उनको कंफर्म किया गया, एक बार फिर से टॉप 3 में अपनी टीम को लेके आ चुके हैं। जो नियो थे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, क्लैश यूनिवर्स की टीम टॉप 3 टीम टॉप 3 पे एक बार फिर से आ चुकी है और एक अच्छा प्लेसमेंट के साथ को डाउन किया। गॉड निक्सन खत्म हो चुके थे बट क्रैटोस अकेले आखिरी प्लेयर अपनी टीम से जिंदा है, बट न्यू ऊपर से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, बट स्लेयर को यहां पे जीगॉट के द्वारा कंफर्म किया गया। क्रैटोस अंदर के साथ पे हील बैटल कर रहे हैं, बट न्यू कहां पे है अभी तक, वो शॉट नहीं कनेक्ट कर रहे, मुझे लगता है शॉट कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा चलेगा, बट क्रैटोस अपने आप को हील कर रहे हैं तो उनको डाउन किया गया और न्यू अपनी टीम को टॉप 2 पे लेके आए और अभी भी सामने के साइड पे 1v3 का सिचुएशन होता हुआ, क्या न्यू अपनी टीम के लिए क्लच निकाल सकते हैं? लगता तो नहीं, बट हेलमेट के पास शॉट देने की कोशिश की, एक मेंबर को नॉक किया दूसरे को लो, बट जोन का डैमेज थोड़ा सा ज्यादा डाउन हुए और इसी के साथ टीम घातक की स्क्वाड एक अच्छा स्पार्की